क्योंकि हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन तब आप क्या करेंगे जब आपको ये पता चले कि हरी सब्जी के नाम पर आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। हरी सब्जी से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको डरा देगा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो भोपाल के सिंधी कॉलोनी का बताया जा रहा है। वीडियो में सब्जी बेचने वाला व्यक्ति गटर के पानी से सब्जियां धोता दिखाई दे रहा है। इसके चेहरे पर ना किसी तरह का की शर्मिंदगी है, ना किसी तरह का डर दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने जब गटर में सब्जी धोने वाले का नाम उससे पूछा तो उसने चुप्पी साध ली। फिलहाल अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही युवक का कुछ पता चला है। तो तस्वीरें आपके सामने जो आपको डराएंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि आखिर जो सब्जियां हम खा रहे हैं, हरी सब्जियां जो कि सेहत के लिए अच्छी होती हैं, क्या इन्हें खाना चाहिए, क्या इन्हें हम अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकर्ष शर्मा लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। आकर्ष, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो सामने आ रहा है, वाकई में लोगों को डराने वाला है, क्योंकि लोग हरी सब्जियां इस उद्देश्य से खाते हैं कि शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी होगी, सेहत बनेगी। लेकिन ये वीडियो वाकई में डराने वाला है, गटर के पानी से एक शख्स हरी सब्जियों को धो रहा है। जी आपने सही कहा, ये वीडियो हैरान करने वाला है और हम कह सकते हैं कि लोग किस तरह लापरवाही बरत रहे हैं, किस तरह लोगों की जान को खिलवाड़ में डाल रहे हैं, इसकी वानगी देखने को मिल रही है राजधानी में। ये सिंधी कॉलोनी चौराहे का पूरा मामला है जहां पर एक शख्स जो है जो सब्जी बेचता है वो देर रात जो गटर का पानी है उसमें जो हरी सब्जी है उसको धोता हुआ नजर आता है। वहाँ से एक राहगीर गुजरता है, वो पूरे ही जब देखता है कि जो सब्जी बेचने वाला शख्स है वो गटर के पानी से सब्जियों को धो रहा है तो वहाँ पर वो वीडियो बना लेता है और उससे बात भी करता है कि आप साफ पानी से सब्जी धो सकते हो, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरीके की कोई सिकन नहीं रहती जबकि वीडियो भी बनाया जा रहा है। उसके बाद वो उससे नाम पूछता है तो नाम भी नहीं बताता है, लेकिन शख्स जो है उसने जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और अब इसके बाद जो वीडियो है प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी पहुंचाया गया है। मैंने भी जब भोपाल कलेक्टर से लेकर फूड इंस्पेक्टर से लेकर तमाम अधिकारियों से बात करी तो उनका भी यही कहना है कि उनके पास अभी वीडियो नहीं पहुंचा है, वीडियो की सच्चाई पता कर रहे हैं। यदि वीडियो सच होगा तो जो शख्स उसमें दिख रहा है उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम जया ये जरूर कह सकते हैं कि लोग किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। ठीक है आकर्ष, अब बने रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। डीके दुबे जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। लेकिन राजधानी भोपाल के सिंधी कॉलोनी इलाके का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, एक शख्स गटर के पानी से हरी सब्जियां धोता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये वीडियो आप तक पहुंचा है? और अगर नहीं पहुंचा है, जब आप इसे देखेंगे तो क्या कार्रवाई इस युवक के खिलाफ की जाएगी, क्योंकि खुलेआम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, वीडियो मेरे पास अभी पहुंचा नहीं है, मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है और हम उस पर जरूर इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे। और ऐसा अगर हुआ है और जो जिस व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा जा रहा है वहाँ पे हमें मिलेगा तो हम उस पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत जरूर कार्रवाई करेंगे। ठीक है दुबे जी, ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगा तो आप इस पर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये वीडियो वहीं से गुजरते किसी राहगीर ने बना लिया, लोगों तक ये जानकारी पहुंच गई कि किस तरह से हरी सब्जियां जो वो खाते हैं गटर के पानी से धोई जा रही है। ऐसा तो रोजाना चलता होगा, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें अगर चलती होंगी, लेकिन इन चीजों को सरफेस में आना होता है। अगर इस चीजें सरफेस में आएंगी और जानकारी में आएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन को ये जब चीजों के बारे में पता चलता है तो जरूर उस पर कार्रवाई होती है जी। अगर किसी चीज के बारे में नहीं मालूम है तो वो नो डाउट उस पर कार्रवाई करना तो संभव नहीं हो पाएगा। बहुत सारी जगहों पे हम जब सुओ मोटो एक्शन लेते हैं, कहीं पर जाकर इंस्पेक्शन करते हैं तो इस तरह की कार्रवाई लगातार चलती रहती है। ठीक है दुबे जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हालांकि आप कार्रवाई करेंगे लेकिन ये भी बताइए कि लोगों को किस तरह से इन चीजों को लेकर जागरूक होना चाहिए, लोगों को ये भी जागरूक होने की जरूरत है जब ऐसी चीजें सामने आए, उनकी सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जाए तो। लोगों को जागरूक होना तो फिर बहुत जरूरी है, केवल सब्जी ही नहीं है, बहुत सारे फूड आर्टिकल मार्केट में मिल रहे होते हैं, हम सभी के सभी कंज्यूमर हैं। ज्यादातर लोगों के घरों पे हर एक खाने पीने की चीजें पैदा नहीं होती, तो हम
भले इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं या किसी और डिपार्टमेंट के लोग हों, आम आदमी है, सभी को मार्केट से ही चीजों को खरीदना होता है। हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं पैकेट्स को देखें, कौन सी चीज कब बनी हुई है, कब तक वो चलने वाली है। सब्जियों को भी देखें, अगर उसने गटर के पानी से धोया हुआ है तो उसमें स्मेल भी आ रही होगी जी। तो ऐसी चीजें हम खरीदते समय देखते हैं। सबसे दिक्कत यह है कि हमारे पास आजकल समय बहुत कम है। हम अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी में बैठे बैठे हम सब्जी खरीद रहे होते हैं, वो सब्जी वाला ही हमारे कार के पीछे डिक्की में अपनी सब्जी रख देता है। हम अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो हम खुद कंज्यूम करेंगे, हम अपनी हमारी फैमिली उसको कंज्यूम करेगी, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा टाइम लेकर इन चीजों को देख लेना चाहिए। जो विभाग है वो अपने जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाएंगे, लेकिन एक फैमिली पर्सन होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है वो भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, आम जनता जागरूक होगी ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं और आप कह रहे हैं कि आपका जो विभाग है वो भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, आगे भी निभाएगा, कैसे इन लोगों की मॉनिटरिंग की जाए, कैसे इन लोगों का पता लगाया जाए, कैसे आप लोग मॉनिटरिंग करते हैं? नो डाउट ये काफी मुश्किल चीज है। कहाँ कहाँ से सब्जियाँ मार्केट में आपको एंड जहाँ पर आप खरीदते हैं वहां पर पहुँचती हैं। इसकी शुरुआत आप देखिए फार्मिंग से, आप देखें कि इसकी फार्मिंग कैसे होती है जी। जब इनको खेतों में उगाया जाता है तब उस समय इसमें इनमें किस तरह के पानी की सिंचाई हो रही है, ये आपको उस लेवल तक जाकर देखना पड़ेगा। तो ये एक छोटा काम नहीं है, ये काफी बड़ा काम है जी। और लेकिन जब इस तरह का मामला प्रकाश में आया है तो हम ज्यादा जगहों पर जाकर देखेंगे, ये हमारे लिए एक टास्क बन जाएगा और हम इसको प्रायोरिटी पे लेके केवल उस जगह पे नहीं, हम कुछ और जगह पर देखेंगे, हम और पता करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मंडियां हैं इसके आसपास कहीं पर क्या ऐसे गंदे नाले हैं जहाँ पे जहाँ के पानी का उपयोग अगर इसमें किया जा रहा हो जी। तो हम थोड़ा सा इस पे और देखेंगे। ठीक है, उम्मीद भी यही कर रहे हैं डीके दुबे जी की वीडियो जब आप तक पहुंचेगा, और बंसल न्यूज ने क्योंकि इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया है तो आप इस आरोपी पर, ये जो शख्स है, इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका डीके दुबे जी, हमारे साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी जुड़े हुए थे। एक बार फिर से रुक करेंगे आकर्ष शर्मा का, संवाददाता जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, जिम्मेदारों से बात की गई, डीके दुबे जी से बात की गई, मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है या आगे किस तरह से की जाएगी? उनका कहना है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सवाल यह है कि जो आम जनता है वो इन्हीं लोगों के भरोसे बैठती है कि भाई हम जो सब्जियां खा रहे हैं या जो हम घरों में चीजें यूज कर रहे हैं अपने खाने में वो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन इसके उलट तस्वीरें सामने आ रही है। जी आपने सही कहा, वो कह रहे हैं एक चैलेंज है, लेकिन यदि कोशिश की जाए तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से लापरवाही बढ़ती जाएगी। मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो रही होती तो शायद इस तरीके की हमें तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। इसमें हम कह सकते हैं कि जो लोगों को इस चीज़ की निगरानी निगरानी के लिए रखा गया है वो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, जब भी इस तरीके की जो घटनाएँ वो सामने आ रही, क्योंकि जो शख्स वीडियो में दिख रहा है उसमें किसी भी तरीके से कोई भी डर नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि वो इस तरीके से तरीके सब्जियों को धो रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि अब जरूर प्रशासन, जब वीडियो वायरल हुआ है, बंसल न्यूज प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी अब जागे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम मॉनिटरिंग भी करेंगे और अब हम कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन अभी तक वो ये भी नहीं मान रहा कि उनके पास वीडियो पहुंचा है, जबकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और चैनलों के माध्यम से यह दिखाया भी जा रहा है। अब देखना होगा कि अब जो फूड विभाग है या फिर जिला प्रशासन है या पुलिस अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कब तक उस शख्स को पहचान पाएंगे, उसकी शनाख्त कर पाएंगे, उसे ढूंढ पाएंगे और उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। और दूसरी तरफ जब आप बंसल न्यूज ने बात करी तो लोगों के जागरूक होने की बात कर रहे हैं, लोग जागरूक नहीं होते तो शायद इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर आता ही नहीं या फिर हम लोगों के बीच आ ही नहीं पाता। एक जागरूक नागरिक के द्वारा ही इस वीडियो को पब्लिक किया गया और इसके बाद ही प्रशासनिक अधिकारी जागे हैं। जया बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई क्या होगी देखने वाली बात होगी। आकर्ष फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और इस खबर पर और भी ज्यादा बात हम करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सत्यकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यकांत जी, एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, राजधानी भोपाल के सिंधी कॉलोनी का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक शख्स गटर के पानी से सब्जियां धो रहा है, हाँ हरी सब्जियां जिसे हम अपने खाने में शामिल करते हैं, जो कहते हैं कि शायद हमारी सेहत बनाएगी, लेकिन खुले आम सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
देखिए मैडम, यहाँ पर एक सब्जी वाले के माध्यम से ये समाज हमारा उजागर हो रहा है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए भी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति हमें अब दिखाई रहा है और बड़ा ही निंदनीय करते हैं, लेकिन ये ओवरऑल धर्म है। क्या ये हमारे लिए अनहोनी घटना है? क्या हमें पता नहीं ऐसा होता है? बहुत सारे जगहों पर ऐसे केसेस आते रहते हैं, लेकिन ये सारा का सारा फोकस एक केस तक सीमित रह जाता है। लेकिन ये बता रहा है कि हमारे नैतिक मूल्यों का किस तरीके से होता जा रहा है, किस तरीके से हम स्वार्थ पर आक्रमण होते चले जा रहे हैं। और सब सीमित नहीं है, हर जगह व्यापार में, हर गांव में इस तरीके की समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम सब शोषित हो रहे हैं। जी फ्रेम में आता है वो ठीक है, हम भी वही है। सत्यकांत जी, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल, धन्यवाद आपका सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से, वीडियो आपको दिखाते हैं। हालांकि जिम्मेदारों को मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की कमी जिसके कारण ये वीडियो सामने आया, लेकिन एक जागरूक नागरिक की भी बात हम यहाँ पर करेंगे जिसने राह से गुजरते हुए ये वीडियो बनाया है, लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाया है। हालांकि इस मामले में अब कार्रवाई क्या की जाएगी देखने वाली बात होगी, लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बंसल न्यूज़ के तमाम दर्शक, उन्हें भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो सब्जियां वो अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं, कहीं वो आपके सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है, कहीं आपके परिवार के लिए सेहत के साथ इससे कोई खतरा तो पैदा नहीं हो रहा है। सब्जी वब्जी मत लेना बिल्कुल।